राजधानी की सिंधी कैंप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली नोटों के साथ दो बदमाशों को दबोचा है। आगरा से जयपुर जाली नोट चलाने के लिए दोनों बदमाश कार से जयपुर आए, जिन्हें सिंधी कैंप पुलिस ने सूचना मिलने के बाद दबोचा है। पुलिस ने दोनों से 1,08,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। शहर में जाली नोटों के खिलाफ एक महीने में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश हेमंत मीणा और दिलशान हैं, जो कि नोट जयपुर में खपाने की कोशिश में थे। ये नोट कहां से लिए गए और इनको जयपुर में कहां खपाया जाना था, इस बारे में फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। इसी समय मुखबिर से इत्तला मिली थी कि बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर है, उसके आसपास कोई गाड़ी खड़ी है जिसमें कि संदिग्ध लोग हैं, दो लड़के हैं, और उनके पास कोई नकली नोट होने की सूचना मुखबिर ने हमें दी थी। उस इत्तला पर रवाना हुए थे हम लोग, मतलब बीच रास्ते में से रवाना होकर मौके पर पहुंचे थे। उनको चेक किया, नोट हमें जब उनको चेक किया तो उनके पास से नोट मिले 2,000 के। उनको देखा तो वेरी फर्स्ट पकड़ने से और देखने से ही वो नकली जैसे लग रहे थे। उनका पेपर काफ़ी हार्ड था और उनमें स्लिप भी अंदर, वो जो सिल्वर वाली स्ट्रिप होती है वो भी नहीं थी। फिर हमने हमारे जो कंसर्निंग बैंक है SBI, वहाँ बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर है मैम अलका कटारिया जी, उनको बुलाया मौके पर, उनसे चेक करवाया। उन्होंने भी उस चीज़ को वेरीफाई किया कि हाँ ये नोट नकली हैं, और उसके बाद बाकी की सारी कार्रवाई जिस तरीके से भी होती, सीजर, अरेस्टिंग वगैरह वो सब की गई।